कॉलेज, एक ऐसी जगह जहां हम लोग बचपन से जाने के लिए बेसब्र होते हैं। कॉलेज जाएंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है बॉस। बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से अच्छा दिखना, स्टाइलिश दिखना और अलग दिखना काफी मुश्किल है। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आपका ये भाई। हेलो एंड व्हाट्सअप यू गाइस, आप देख रहे हैं मेंसफियर, मैं हूं आपका दोस्त तथागत मुखर्जी। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं 6 स्टाइल टिप्स फॉर कॉलेज गाइस। नंबर 1, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, इसका मतलब आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो आप अपने सारे पैसे कपड़ों पे खर्च करना नहीं चाहोगे। सो फर्स्ट यू शुड गेट द बेसिक्स, क्योंकि ये चीजें सब पे अच्छी लगती है और इन चीजों को आप बार बार मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। और पहली चीज जो आपको जरूर खरीदनी चाहिए और आपके पास होना एकदम मस्ट है, वो है द मोस्ट वर्सेटाइल डार्क ब्लू जीन्स। डार्क ब्लू जीन्स आप किसी भी शर्ट या टी शर्ट के साथ पहनोगे तो आप अच्छे लगोगे, क्योंकि इट बेसिकली मैचेस विथ एवरीथिंग। दूसरा पैंट है ब्लैक जीन्स, अगेन ब्लू जीन्स की तरह ही, ये भी आप किसी भी चीज के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। ब्लैक जीन्स ड्रेसी आउटफिट्स के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो या फिर आपको थोड़ा और अच्छा दिखना है, तब ब्लैक जीन्स सबसे ज्यादा काम आती है। ये तो हो गया पैंट्स, अब आपको जो चाहिए वो है प्लेन व्हाइट और प्लेन ब्लैक टी शर्ट्स। बॉय ओ बॉय, ये दो टी शर्ट्स आर मस्ट हैव, क्योंकि जहां आपके सारे दोस्त और कॉलेज मेट्स ग्राफिक टीज और प्रिंटेड टी शर्ट्स पहन रहे हैं, वहां आपको ये प्लेन टी शर्ट्स और ज्यादा मेच्योर दिखाता है। और अगर आपको सिर्फ बेसिक्स के ऊपर कैसे अपना वार्डरोब बनाया जाए उसके ऊपर एक वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2, फोकस ऑन द फिट ऑफ योर क्लोथिंग। अगर एक चीज जो क्वालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपके कपड़ों का फिटिंग। मान लो एक बंदा जो 1000 रुपए की टी शर्ट पहनता हो, आप उससे भी अच्छे लग सकते हो अगर आपकी कपड़ों की फिटिंग सही है। चाहे आप 200 रुपए की ही टी शर्ट पहन लो, लेकिन अगर उसका फिटिंग सही है, अगर वो आपके बॉडी के अनुसार सही फिट करता हो, तो आप उस 1000 रुपए के टी शर्ट पहनने वाले बंदे से भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिख सकते हो। और अगर आपको टी शर्ट हैक्स के बारे में थोड़ा और जानना है तो आपको हमारा पिछला वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 3, एक्सरसाइज। हर रोज कोई लड़का अगर आधे घंटे से एक घंटे तक वर्कआउट करे तो उसकी हैंडसमनेस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करोगे, अपने बॉडी का ध्यान रखोगे, तो आप और अच्छे दिखोगे। जरूरी नहीं है कि आप वर्कआउट करने के लिए जिम जाए, आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट करोगे और फिट रहोगे तो आपके कपड़े ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा अच्छे से फिट होंगे, और अगर आपके कपड़े आपको ज्यादा अच्छे से फिट होने लगे तो ऑटोमेटिकली हैंडसमनेस इंक्रीज्ड। और वर्कआउट करने से आपकी हेल्थ भी काफी अच्छी बनी रहती है और आप मेंटली भी काफी अच्छा फील करने लगते हो, तो अगर आप वर्कआउट करो तो डबल बेनिफिट। नंबर 4, एक अच्छी बैकपैक और एक अच्छा वॉच। टेल मी समथिंग, आपने अपने सर्कल में कितने लड़कों को एक वॉच पहनते हुए देखा है? बहुत ही कम शायद। और यहां पे आप अपना स्टाइल एलिवेट कर सकते हो बाय वेयरिंग अ वॉच। लेकिन टाइम तो हम मोबाइल में भी देख सकते हैं, वॉच की क्या जरूरत? जरूरत है माय फ्रेंड, क्योंकि वॉच पहनने से यह लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हो जो अपने टाइम का ध्यान रखना पसंद करता है। और अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे लगते हो तो आपकी अट्रैक्टिवनेस ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। और एक चीज जो आपके साथ कॉलेज में जरूर रहता है वो है आपका बैकपैक। एक बल्कि अगली बैकपैक आपका अट्रैक्टिवनेस घटा देगी। अभी आप स्कूल में नहीं हो तो अभी आपको सिर्फ वो चीजें कैरी करनी चाहिए जो नेसेसरी है, और उसके लिए आपको एक स्लीक स्टाइलिश बैकपैक कैरी करनी चाहिए, जैसे कि
ये। मैं कॉलेज जाने के लिए ये बैकपैक कैरी करता हूँ। अब आते हैं नंबर 5 पर, विच इज ग्रूमिंग। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, आप कितनी भी अच्छी बॉडी बना लो, लेकिन अगर आपकी ग्रूमिंग सही ना हो तो आप वो अट्रैक्टिव लुक अचीव नहीं कर पाओगे। रोज नहाओ, अपनी दाढ़ी सही से बनाओ और एक अच्छी परफ्यूम यूज करो, और कोशिश करो कि महीने में एटलीस्ट एक बार अपने बार्बर के पास जाओ और एक शार्प हेयर कट लो, क्योंकि एक शार्प हेयर कट आपकी लुक को बहुत अच्छा मेंटेन करती है, बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है, और आप अगर प्रेजेंटेबल लगोगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। और अभी से आप अगर अपने लुक को मेंटेन करना सीख पाओ तो जब आप जॉब करने जाओगे तब आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि तब शार्प दिखना, अपना अट्रैक्टिवनेस बाहर लाना बहुत जरूरी। नंबर 6 एंड द फाइनल पॉइंट इज एक्सपेरिमेंट। आपको अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अभी आप एक ऐसे उम्र में हो जब आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने लुक्स को लेकर, और जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको अपने लुक्स के बारे में और ज्यादा आइडिया होगा, और फिर आप अपना लुक सेट कर सकते हो जो आपको ज्यादा सूट करे, और आपकी लुक ऐसी होनी चाहिए जो आपके पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करे। एक चीज हमेशा याद रखना, दिस इज द टाइम टू एक्सपेरिमेंट माई फ्रेंड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये 6 टिप्स फॉलो करके आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश दिख सकते हो, और अगर आपको लाइफस्टाइल और स्टाइल के बारे में थोड़ा और जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और आगे ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।